हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश कुमार में बात करने वाला हूँ 2022 फोर्ड एंडेवर के बारे में, जो कि ग्लोबली जो है वो रिवेंड हो गई है। एंड में बात करने वाला हूँ ये जो ग्लोबली फोर्ड एंडेवर है फ्रेंड में, और भी बिगर, मोर कैपेबल एंड और भी काफी सारे फ्यूचर्स के साथ जो है देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स में बात करने वाला हूँ फ्रेंड जो न्यू फोर्ड एंडेवर है फ्रेंड्स के अंदर कितने वेरियंट्स देखने को मिलेंगे, किस तरह का इंजन ऑप्शन, फ्यूचर्स एंड जो स्टाइलिंग है वो देखने को मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो फोर्ड के फ्रेंड जो एंडेवर है फ्रेंड में और भी लॉन्गर एंड वाइटर देखने को मिलेगी। फ्रेंड जो नेक्स्ट जनरेशन एंडेवर है फ्रेंड, ये हमें करंट जनरेशन के एंडेवर से हमें 50 mm लॉन्गर व्हील बेस के साथ देखने को मिलेगी। एंड फ्रेंड इसके अंदर हमें टोटल 5 वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हमें एम्बियंट, ट्रेंड, स्पोर्ट, टाइटेनियम एंड प्लेटिनम, इस तरह से हमें टोटल 5 वेरिएंट्स भी जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। एंड सभी के अंदर में इंडिविजुअल डिजाइन या फिर जो चेंजेस है हमें देखने को मिलेंगे। एंड अगर मैं स्टाइलिंग या फिर एक्सटीरियर के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इसके अंदर हमें ऑल न्यू फेस देखने को मिलेगा, जो कि हमें शी शेप, एलईडी लाइट्स एंड डीआरएल के साथ हमें फुल विड्थ ग्रिल एंड रकेट बम्पर के साथ जो है हमें इसका फ्रंट फेशिया देखने को मिलेगा। साइड प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इसके अंदर हमें लार्जर बेस जो कि हमें 21 इंच के, एंड इसके रियर में हमें प्रिंट स्क्रीन एंड जो टेल लैम्प्स है वो भी हमें फुल विड्थ यूनिट के साथ हमें स्मोक लैंप्स एंड जो बोट एलईडी ओपनिंग है वो भी हमें रिवाइज देखने को मिलेगा। एंड अगर इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड्स के अंदर में मैट्रिक्स एलईडी हेडलैम्प्स, वेरिएबल जोन एक्सटीरियर लाइटिंग जो कि हमें 360 डिग्री एक्सटीरियर ग्राउंड लाइटिंग के साथ एंड डिपेंडिंग टू डिफरेंट फंक्शन के साथ में रूफ रेल्स भी जो है हमें देखने को मिलेगी। एंड अगर इसके इंटीरियर चेंजेस के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इसके अंदर हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि हमें 8 इंच से लेकर 12.4 इंच के साथ, एंड पोर्ट्रेट स्टाइल इन्फोमेंट स्क्रीन सिस्टम जो कि 10.1 इंच से लेकर 12 इंच तक का जो है वो देखने को मिलेगा। एंड अगर इसके इंटीरियर फीचर्स के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इसके अंदर हमें वायरलेस डिवाइस चार्जिंग पैड, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, हीटेड एंड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, रिमोट स्टार्ट फंक्शन, गेस्चर कंट्रोल, पावर टेलगेट, 360 डिग्री कैमरा एंड और भी काफी सारे फीचर्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। एंड अगर मैं इसके इंजन ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड ग्लोबली ये हमें 2.0 लीटर डीजल इंजन के साथ जो है हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर में सिंगल एंड ट्विन टर्बो दोनों सेटअप्स के साथ जो है हमें इसका 2.0 लीटर देखने को मिलता है। एंड इसके अंदर हमें 3.0 लीटर V6 टर्बोचार्ज डीजल इंजन भी देखने को मिलेगा। एंड इसके लिस्ट में हमें 2.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी जो है हमें देखने को मिलने वाला है। एंड अगर मैं इसके ट्रांसमिशन के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड इसके अंदर हमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक एंड 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर हमें जो 2 एंट्री लेवल वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं उसके अंदर में रियर व्हील ड्राइव एंड जो 4 ड्राइव जो है मैं एज ए स्टैंडर्ड देखने को मिलेगी। तो फिलहाल तो एंडेवर के अंदर में इतने ही चेंजेस या जो फीचर्स देखने को मिलते हैं। फ्रेंड और अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं अपने नया वीडियो लेके आऊंगा। एंड फ्रेंड इसी तरह से अगर आपको हमारे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए हर ऑटोमोटिव वीडियोस की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।